गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्या करने हैं हिंदी में गद्य पर चर्चा। तुम कब जाओगे अतिथि सरल दृष्टि, उसका को इस पार्ट का शेष भाग आज हम चलाएंगे। दो दिन की यात्रा, दो दिन की जो अतिथि की मेहमान की है वो पूरी हो चुकी। तीसरे दिन की बात ये मेजबान के लिए तुम्हारे और मेरे अब ये संबंध है, वो संबंध का एक
कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को लुटाने न दौड़े। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है पर सोचो प्रिय कि शराब आदि कोई चीज होगी और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। मेजबान ने उसको कहा कि तुम्हें अच्छा लग रहा है लेकिन हमेशा दूसरों के दर्द अच्छा ही लगता है। इसलिए तो एक गीत है के होम स्वीट घर घर को हर घर को अपना घर होम स्वीट कहते हैं। हमारा घर ही अच्छा हमारा घर ही अच्छा इसलिए तो घर की महत्ता है। इस कारण हमें दूसरों के घर की स्वीटनेस को काटनी चाहिए नहीं। तुम्हें अच्छा लग रहा है पर सोचो शराब की कोई चीज होती है शराब की दूसरों के घर हम जाकर उसकी स्वीटनेस होम स्वीट को बिगाड़ के शराब की कोई चीज हो और गेट आउट भी एक बात क्या है वो भी बोला जा सकता है। अंतिम शब्द में वो भी बोला जा सकता है अपने खराब से एक और रात गुजारने करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे आगमन के बाद पांचवे सूर्य की परिचित किरण होगी। अपने खराब से एक और रात गुजारने के बाद सुबह जो सूर्य की किरणें तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वो पांचवे दिन की किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चुनेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय ले लोगे। मेजबान आशा रखता है कि अभी आशा है वो सूर्य की किरणें पांचवें दिन की सूर्य की किरणें वो तुम्हें चुनेगी और तुम घर लौटने का सम्मान पूर्ण निर्णय कर लोगे। मेरी सहनशीलता की अंतिम सुबह होगी उसके बाद कुछ निर्णय नहीं कर सकूंगा और लड़ना चाहूंगा। मेरे अतिथि मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है पर आखिर में भी वो भी आखिर में भी मनुष्य मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है तुम लौट जाओ अतिथि इसी में तुम्हारा देवत्व